हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ में अरबी की सूखी मसालेदार चटपटी सब्जी बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अरबी यानी कि कई लोग इसे घुइया के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इसे कोलोकेशिया कहा जाता है। ये एक बहुत ही अच्छी साइड डिश रेसिपी की तरह काम करती है। इनफैक्ट इसे आप लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है पूड़ी पराठे और रोटी के साथ में। तो एक बार ये रेसिपी अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, झटपट बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए फिलहाल तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब्जी बनाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अरबी काटनी कैसे है। सबसे पहले अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लें। अगर आप तेल नहीं लगाएंगे ना तो आपके हाथों में खुजली होगी अरबी को काटने के बाद में, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। अब अरबी को आप छील लीजिए, पहले इसे आप बिल्कुल भी ना धोएं। अगर आप इसे पहले धुल देंगे ना तो ये लिबलिबी हो जाएगी और फिर आप इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हाथों को ग्रीस करने के बाद में अरबी को आप छील लीजिए। आप छिलनी का भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसे एक नाइफ़ की मदद से भी छील सकते हैं, बहुत ही इजीली ये पील ऑफ हो जाती है। ये देखिए, मैंने ये दो अरबी को पील कर लिया है। इसी तरीके से हम सारी अरबी भी पील कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ये अरबी छील कर रखी हुई है और अब हम इन्हें कट कर लेंगे। अभी भी इन्हें हमें वॉश नहीं करना है। मैंने जैसा आपको बताया, अगर आप इसे वॉश कर लेंगे ना तो ये आपके हाथों से फिसलेगी और आप इन्हें इजीली नहीं कट कर पाएंगे। तो पहले इन्हें आप कट कर लीजिए और उसके बाद में हम इन्हें वॉश करेंगे। ध्यान रखें, इस टाइम भी आपके हाथ ग्रीस होने चाहिए। अगर हाथों में तेल नहीं लगा होगा ना तो बाद में आपके हाथ खुजली करेंगे, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से अरबी को कट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने तीन चार अरबी रखी हुई थी आपको शो करने के लिए, बाकी की अरबी मैंने कट करके रखी हुई है। इसी में हम हमारी बाकी की कट की हुई अरबी डाल देते हैं। ये टोटल मैंने यहाँ पर 500 ग्राम अरबी ली हुई थी, जिन्हें छीलने के बाद करीबन 100 ग्राम इसमें से निकल जाता है इसका छीलन, और करीबन 400 ग्राम अरबी बची हुई है यहाँ पर। अब अरबी को आपको अच्छी तरीके से वॉश करना है। जब आप अरबी को अच्छी तरीके से वॉश करेंगे ना तो आपको लगेगा बहुत ही लिबलिबापन निकल रहा है, पता नहीं क्या चिपचिपा टाइप्स है। तो ज़रूर ध्यान रखें कि इसे आप 2 से 3 बार ढेर सारे पानी में अच्छी तरीके से वॉश कर लें। तो मेरा बोल थोड़ा छोटा था तो मैंने एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर ली है अरबी, और बिल्कुल इस तरीके से आपको अरबी वॉश कर लेनी है। 2 से 3 बार अरबी को धुल लीजिए और धुलने के बाद इस तरीके से कोई आपके पास छलनी होगी ना उसमें आप अरबी रख दीजिए, ताकि इसमें जो एक्सेस पानी होगा ना वो निकल जाएगा अरबी से, क्योंकि हम सूखी सब्जी बना रहे हैं, हमें पानी की तो आवश्यकता है नहीं। तो इस तरीके से छलनी में आपको अरबी निकाल लेनी है। और ये हमारी अरबी कट के रेडी हो गई है, अब इन्हें हम छौंक लेते हैं। एक आप कढ़ाई ले लीजिए, इसमें मैं डाल देती हूँ तेल। तो करीबन 2 चम्मच हम तेल इसमें डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने कितना तेल लिया हुआ है। गैस की फ्लेम को अभी हमें मीडियम रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं रखना है। तेल हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है वरना मसाले जल जाएंगे। अभी इस स्टेज में इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच राई, जो छोटी राई आती है, 1/4 छोटी चम्मच हींग, 1 मिर्च को मैंने बारीक कट करके रखा हुआ है वो भी हम इसमें डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, और 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर इसमें आप डाल दीजिए। और ये सारे मसाले डालने के बाद में इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। अब इसमें हम डाल देते हैं अरबी जो कि हमने कट करके रखी हुई है। कट करके अच्छी तरीके से साफ़ की हुई अरबी आप इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए, ताकि जितने भी मसाले हमने डाले हैं ना इसमें वो अच्छी तरीके से अरबी में कोट हो जाएं। इसमें आप डाल दीजिए नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद भी इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। यहाँ पर मैं ये अरबी यूज़ करके ये सूखी सब्जी बना रही हूँ। अगर आपको अरबी पसंद नहीं है लेकिन आपको ये सब्जी सुंदर दिख रही है, आप भी इस तरीके की सब्जी खाना चाहते हैं ना, तो आप अरबी की जगह में आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस तरीके से आलू की सूखी सब्जी भी आप बना सकते हैं। अब इसे हम ढककर पका लेंगे। करीबन 6 से 7 मिनट के लिए हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है, और बीच बीच में आप चलाते रहें ताकि अरबी जले ना। ऑब्वियसली टाइम वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी जो आपने कढ़ाई ली हुई है वो कितनी भारी और कितनी हल्की है। अभी हमारी जो अरबी है ना वो बिल्कुल हाफ कुक हुई है, तो इसमें अब हम डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, जो कि मैं स्टार्टिंग में डालना भूल गई थी। तो इसमें मैं डाल देती हूँ आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और लाल मिर्च डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। लाल मिर्च डालने के बाद ना बहुत ही अच्छी दिखने लगती है, कलर बहुत अच्छा दिखता है अरबी का, तो ये डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप इसे अब अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। देखिए कितनी ज़्यादा बढ़िया दिख रही है ना ये सब्ज़ी, एक बहुत ही अच्छी साइड डिश की तरह ये काम करती है। इनफैक्ट इसे अगर आप सूखा खाएंगे ना तो सूखी भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए ये हमारी सब्ज़ी, अभी थोड़ा सा कसर बाकी है तो अब हम इसे ढककर नहीं पकाएंगे, अब हम इसे खुली आंच में पकाएंगे ताकि इसमें थोड़ा सा क्रिस्पीपन आ जाए। तो अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। आप देख सकते हैं ये अरबी पक चुकी है, तो अब गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिए ताकि इसमें एक क्रंचीनेस आ जाए। अब इस स्टेज में हम इसमें डाल देते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि है आमचूर पाउडर। इससे बहुत ही अच्छी खटास आती है सब्ज़ी में, और अरबी अगर खट्टी नहीं होगी ना तो अजीब सी लगती है। तो आमचूर पाउडर बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर इसमें डाल रही हूँ, और आमचूर पाउडर डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। अगर स्टिल आपको लगता है कि यार उतनी खट्टी नहीं है जितना होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपकी सब्ज़ी पूरी बन जाए ना तो एंड में ना इसमें ऊपर से डाल दीजिए थोड़ा सा नींबू का रस। तो भाई इतनी अच्छी लगती है ना, मतलब आप इसे स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं, इतनी अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। अब फाइनली सब्ज़ी हो चुकी है, तो ऊपर से हम डाल देते हैं बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती, और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दीजिए। और ये देखिए बिल्कुल इजी तरीके से बनी हुई टेस्टी अरबी की सूखी चटपटी चटाकेदार चटपटी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पके हुए हैं अरबी के पीसेस। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।